हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आने वाले सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब आप सीपेट अप्लाई करोगे तो आप लोगों को अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कितना एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा, उसको आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले क्विक सा आपके लिए रिमाइंडर, आप लोगों का सीपेट अप्लाई शुरू हो रहा है 27 जून को और लास्ट डेट है 12 जुलाई। ये बहुत ही कम पीरियड टाइम पीरियड दिया गया, इसलिए जल्दी अप्लाई विंडो ओपन होते ही आप अप्लाई कर लेना। ये आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज 20 जुलाई को हो जाएगा, एग्जाम होगा 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में और आप लोगों का छुट्टी रहेगा 9 तारीख और 11 तारीख। ठीक है, और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 24 अगस्त को हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का एप्लीकेशन फी के बारे में। पहले देख लेते हैं जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट में इसमें कौन कौन आएंगे, यूआर और SCBC, क्योंकि SCBC OBC के लिए आप लोगों का सेपरेट नहीं बोला गया, उनको भी जनरल कंसिडर किया जा रहा है ऐसा मान के चलिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया 500 फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो भी आप लोगों का पहला सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों को 500 पे करना पड़ेगा फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर, विद 200 फॉर ईच सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट। उसके बाद आप लोगों को 200 देते, मतलब जितना आप सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट ऐड करते जाओगे आप लोगों को 200 देना पड़ेगा और इसका लिमिटेशन टोटल 5 है। ठीक है, सीपेट आपको अलाउ करता है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप चॉइस दे सकते हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का चॉइस दे सकते हैं, इस हिसाब से आप लोगों का एप्लीकेशन फी काउंट होगा। उसके बाद देखिए ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा समझने वाला बात है, देयर विल बी नो एडिशनल फी फॉर सब्जेक्ट शेयरिंग सेम एंट्रेंस टेस्ट लाइक इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल मैं समझा दे रहा हूँ क्यों इनमें आप लोगों को अगर सेम शेयरिंग एंट्रेंस टेस्ट, सेम सब्जेक्ट शेयरिंग एंट्रेंस टेस्ट होगा तो आप लोगों को क्यों एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स में पीजी करना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में, सीपेट इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स में पीजी करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स में ही सीपेट देना पड़ेगा, यानी आप लोगों का दोनों के सब्जेक्ट के लिए एक ही कॉमन आपका सब्जेक्ट हो गया पीजी एंट्रेंस के लिए। ठीक है, ये पीजी एंट्रेंस के लिए एक ही सब्जेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ना इसके लिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो रहा है तो आप लोगों को सिर्फ 500 ही पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने बॉटनी के लिए पहला प्रेफरेंस दिया। ठीक है, फर्स्ट चॉइस आपने बॉटनी के लिए दिया, उसके बाद आप चाहते हो बायोकेमिस्ट्री में करने के लिए बायोकेमिस्ट्री, और तीसरे में आप चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी में करने के लिए। तो इसमें आप लोगों को क्या होगा, देखिए बॉटनी अलग हो गया, बायोकेमिस्ट्री अलग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी अलग हो गया, यानी कि इसके लिए आपको बॉटनी के लिए सीपेट देना पड़ेगा, इसके लिए आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए सीपेट देना पड़ेगा और बायोटेक के लिए बायोटेक का आपको पेपर देना पड़ेगा। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट पेपर होने की वजह से आप लोग पहले के लिए 500 दोगे, उसके बाद आप लोगों को 200 ईच पेपर के लिए देना पड़ेगा, ये रहा 200। ठीक है, इस तरह से आप टोटल 5 चॉइसेस दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक आपने बॉटनी दिया, उसके बाद दूसरे में आपने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को हटा के आपने प्लांट साइंस के लिए दिया और तीसरे में आपने लाइफ साइंस बॉटनी के लिए दिया। ठीक है, लाइफ साइंस बॉटनी के लिए दिया तो भी आप लोगों को 500 ही देना पड़ेगा। मानी मतलब समझ लीजिए इसको, पहले में आपने बॉटनी दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे में आपने क्या किया, बॉटनी का रिलेटेड सब्जेक्ट क्या हो गया, लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस में आपने फिर से वही बॉटनी चूज कर लिया। तो ये दोनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्रेंस देना पड़ेगा, वो है बॉटनी पेपर में, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 500 ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत रिलेटेड हो गया। लेकिन वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री था, बायोटेक्नोलॉजी था, वो बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मतलब एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम ही एक ही सब्जेक्ट में आप अगर डिफरेंट कोर्स है तो आप लोगों का मतलब रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सब्जेक्ट शेयरिंग सेम इंटरेस्ट है तो आपको मतलब एक ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए STSC के लिए 300 पहले पेपर के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर CA विद 200 फॉर ई सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट, यानी कि उसी तरह अगर आपने बॉटनी के लिए किया बॉटनी के लिए तो आप लोगों को पहले 300 देना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहते हो उसी के रिलेटेड प्लांट साइंस में किया तो आप लोगों को कोई देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो आप बोलोगे नहीं मैं बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करूंगा तो आप लोगों को सेपरेट एंट्रेंस उसके लिए देना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा 200 पे करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, आप लोगों का PWD एंड थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर के लिए उनको एग्जेम्प्टेड किया गया, उनका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई है। ठीक है, उनका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई है। तो ये था आप लोगों का पूरा मतलब एप्लीकेशन फी के ऊपर जो भी कैटेगरी उस, और एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, साइकोलॉजी में आप चाहते हो
पीजी करना। तो साइकोलॉजी में आप लोग एंट्रेंस अपीयर किए, लेकिन और एक है क्लिनिकल साइकोलॉजी, दूसरा है आप लोगों का अप्लाइड साइकोलॉजी, ये तीनों के तीनों इंटर रिलेटेड है। सिर्फ आपको पीजी के लिए एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, वो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको सेपरेट पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, द फीस अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एंड प्रिंटेड इन द एप्लीकेशन प्रिंट आउट कॉपी ऑफ द CAF, नो रिफंड कैन बी क्लेम्ड एट अ लेटर डेट। यानी कि एक बार आप लोगों का पेमेंट हो गया, उसके बाद आप लोग क्लेम नहीं कर सकते रिफंड के लिए, क्योंकि आप लोगों का वंस फर्स्ट में, फर्स्ट चॉइस में जितने भी आप सब्जेक्ट दिए, उसके बाद अगर करेक्शन में आपने कोई सब्जेक्ट को रिड्यूस कर दिया, तो आप लोगों रिफंड, आप सोचोगे कि मेरा तो सब्जेक्ट घट गया तो मुझे रिफंड दे दीजिए, नहीं होगा, ठीक है, ये क्लियरली मैंशन किया गया है। उसके बाद ये कैलकुलेट होकर आप लोगों का एप्लीकेशन में प्रिंट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आप लोग फीस स्ट्रक्चर वही चीज़ को लिखा गया, अदर ऑप्शन वाइज जो फीस आप लोग विल बी कलेक्टेड, जनरल कैंडिडेट 500 पर सब्जेक्ट एंड STSC 300 पर सब्जेक्ट, फॉर कैंडिडेट्स डिजायर्स टू अपीयर मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट टोटल कितना, 5, मैंने जैसा बोला था, नीड टू फिल अप देयर HEI हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन इन द CAF, द फीस इन केस ऑफ अपीयरिंग मल्टीपल सब्जेक्ट एंट्रेंस विल बी एज फॉलो। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट, ठीक है, पहले के लिए 500, उसके बाद 300, उसके बाद आप लोगों का 200, उसी तरह पहले के लिए STSC के लिए 300, उसके बाद 200, ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट और ओनली सब्जेक्ट के लिए 500 जनरल के लिए, उसके बाद 300 फॉर STSC कैंडिडेट, उसके बाद एवरी एडिशनल सब्जेक्ट चॉइसेस, वो चाहे ST हो चाहे SC हो, आप लोगों को 200 फॉर बोथ जनरल एंड STSC कैंडिडेट के लिए देना पड़ेगा, ठीक है, वही चीज़ लिखा है। उसके बाद देखिए, नो फी विल बी कलेक्टेड फॉर PWD एंड ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर आप लोगों के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ए कैंडिडेट कैन अपियर फॉर टू अपियर फॉर एंट्रेंस इन मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, जिसका मैं बात कर रहा था, 5 सब्जेक्ट दे सकते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही 5 सब्जेक्ट आपका रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 500 में काम हो जाएगा, ठीक है, रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं, यानी कि यही 5 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आपको एक ही सीपेड एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 500 से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को 5 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है और 5 डिफरेंट डिफरेंट आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, तब आपको 500 प्लस 200 200 करना पड़ेगा, और STSC हो तो 300 प्लस 200 200 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑल्सो प्रोवाइड प्रेफरेंस फॉर द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज फॉर ऑफ इज प्रेफरेंस, इसको कैसे फिलअप किया जाएगा उसको भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। द सब्जेक्ट प्लस यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन विल डिफाइन हिज ऑप्शन, तो सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लोग एप्लीकेशन फी डिसाइड होगा। टोटल 10 नंबर ऑफ ऑप्शन दे सकते हैं, सब्जेक्ट में 5 और यूनिवर्सिटी में 10, इसको मैं समझाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद देखिए, CA फीस विल बी डिपोजिटेड ऑनलाइन ओनली, तो ऑनलाइन में ही आप पे कर सकते हो, नो रिफंड कैन बी क्लेम्ड एट लेटर डेट, ठीक है, आप लोगों का रिफंड नहीं हो सकता। बाद में अगर आप बोलोगे कि करेक्शन करके मैं 2 सब्जेक्ट, 5 में से 2 सब्जेक्ट निकाल दूं, तो लेकिन पहले तो पे कर लिए थे, अब आपको रिफंड नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाय ओपनिंग द करेक्शन विंडो फॉर ए शॉर्ट पीरियड, इफ द कैंडिडेट चेंजेस हिज और हर ऑप्शन फॉर द सब्जेक्ट देयर, देन देयर मे बी फ्लक्चुएशन इन CAF। आप लोग जानते हैं, पहले आपने 5 दिया था, तो जिसके मान लीजिए उसके लिए आप लोगों ने पे किया था 1000, ठीक है, अब आपने उसको रिड्यूस करके 2 सब्जेक्ट किया करेक्शन करके, तो आप लोगों का मान लीजिए 700 हो गया, 700 में आप लोगों को और 300 रिफंड नहीं मिलेगा, वो बोला जा रहा है यहाँ पे। बाय डूइंग सो, इफ द CAF बिकम्स लेस देन देयर विल बी नो रिफंड ऑफ CAF फीस, ठीक है, इसको यहाँ पे ये चीज बोला गया। CAF फीस विल बी कलेक्टेड ऑनलाइन मोड में सैम्स, वाइल एडमिशन फीस विल बी कलेक्टेड ऑफलाइन मोड में एट द इंस्टीट्यूशन वेयर ही और सी फाइनली गेट एडमिटेड। तो एडमिशन फीस तो बाद में लिया जाएगा, लेकिन पहले आप लोगों का एप्लीकेशन फी लिया जाएगा। सो ये था आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेरी वगैरह, क्वेश्चन वगैरह है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और एक चीज़, हाँ, अगर आप लोग सीपेट बॉटनी के लिए एंड सीपेट जूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल में आप लोगों से डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा सेपरेटली, बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।